जोधपुर में पालम एयरपोर्ट नहीं है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इन सेप्टी सेल्स मर्दा नहीं पाई जाती, तो इसमें बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ नाइट्स इन समर सडनली फॉल्स इन राजस्थान बिकॉज एरिडिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लीन स्काई, सैंडी नेचर ऑफ सॉइल एंड शॉर्टेज ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का अभाव। विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान, तो घग्गर नदी है जो कि डेड रिवर भी है, यह राजस्थान में अंतः प्रवाही नहीं है। बाकी कांटली, कोठारी और साबी, ये तीनों ही नदियां अंतः प्रवाही नदियां हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, बांसवाड़ा। विंटर रेन इन राजस्थान इज नोन एज मावट। इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान बंबू फॉरेस्ट इज फाउंड, तो ये दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाई, तो इसको जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की हेल्प है। विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड इन बीकानेर, सही है ये। द इंदिरा गांधी मैन कैनाल एक्सटेंडेड अप टू, ये वैसे मोहनगढ़ तक जाती है लेकिन इसका अंतिम छोर गडरा रोड है जो कि मोहनगढ़ में ही है। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान वेयर द ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड, राजस्थान का वह जिला जिसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटीले वन पाए जाते हैं, तो इसमें जैसलमेर राइट आंसर होगा। मे बी धौलपुर भी हो सकता है क्योंकि धौलपुर भी डेजर्ट की तरह ही है। What is the source of origin of western disturbance that enter Rajasthan? तो राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति अरब सागर। The Tropic of Cancer passes from which of the following district of Rajasthan? तो डूंगरपुर। The sanctuary थ्रू विच मानसी वोकल रिवर पासेस, कौन सा अभयारण्य मानसी वोकल नदी से गुजरता है, तो फुलवारी किनाल। बोराट का पठार कहाँ है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1597 सेर। राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आएगा तांबा। बहुत सारे लोगों ने इसमें लोहा भी किया है। अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, राजस्थान पत्रिका के द्वारा। बिलासपुर डैम राजस्थान में किस नदी पर है, बिलासपुर, बिलासपुर नहीं है, बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर है। ऊंट की नाचना नस्ल है जैसलमेरी। विच डेजर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लाइन एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान, तो उदयपुर। मैच द फॉलोविंग, इसमें है बर्ड सेंचुरी, सीता माता, टाइगर प्रोजेक्ट, रणथंबोर, ब्लैक बक सेंचुरी, ताल छप्पर एंड फ्लाइंग स्क्वेड, ये रणथंबोर। तो इसमें देखो, सबसे पहले पक्षी अभयारण्य तो है अपना बाघ परियोजना पक्षी अभयारण्य, कृष्ण मर्ग यानी तीन में तीन आएगा, तो सी आंसर इसका राइट है, सारे ही सेम टू सेम दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। इसमें जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, उमेद सागर डैम है, माही बाजार सागर डैम है, तो इसको सुमेलित करने पर ही आ जाएगा बी वाला ऑप्शन।
भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भरतपुर में कहाँ हुई, सॉरी। निम्न में से किसे राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेशी बीकानेर 18 बुजी प्रतिमा होती है इसकी? राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी सीमा सोनी। विक्रम संवत के अनुसार गणगौर किस दिन मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला थर्ड। माही कंचन और माही धवल राजस्थान में मक्का की फसलें होती हैं। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन और अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में ही है, तो मैं भी इसका बी हो जाए, आई एम नॉट कन्फर्म। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस वंश से था? तो कुमारपाल चालुक्य वंश से था। पेशवाई कला के लिए नाथ द्वारा सही है। नड़वादक राजस्थान के किस क्षेत्र में था? तो नड़वादक ये जो है यहाँ पे ज़्यादातर ये भील लोग रहते हैं, भील और मीणाओं का यह है करणा भील जो इसमें मुख्य जो नड़वादक था। तो इसमें से देखो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और मेवाड़, मेवाड़ मतलब उदयपुर, तो उदयपुर में ज़्यादातर भील और मीणा लोग रहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी, मेवाड़। कोलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ में, गागरौन का किला भी है। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र अधिकारी रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह। इसके बाद है वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रशैली की विशेषता है? तो बूंदी। मेमंद आभूषण है सिर का। द पश्चिमी क्षेत्र की प्रधान बोली है? तो पश्चिमी क्षेत्र में वैसे शेखावटी बोली जाती है, लेकिन शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है, इसलिए प्रधान बोली पूछी है तो मारवाड़ी आएगा। शीतला माता चाकसू जयपुर के पास में है ये। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का केंद्र था? आहड़ उदयपुर। वैली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। निम्न में से वागड़ गांधी भोगीलाल पांड्या राजस्थान का पर्यटन एवं जसवंत थड़ा बांध का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया? निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से शामिल है? एक प्रथा है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला राजपूत राजा था। अब आप ये देखिए कि राजपूत कहाँ थे, तो मैं भी राजपूत की अगर बात करें तो अपन राजपूत बीकानेर में हैं ज़्यादातर, तो इसमें डी ऑप्शन आ सकता है। धानवा दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है, तो इसमें सी आ ही जाएगा। पंचायतन पेंटिंग किस शैली से है? तो ये बूंदी से है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, ये काले पत्थर की मूर्ति थी इसमें, तो ब्लैक कर्षण की मूर्ति थी, ब्लैक संगमरमर जो कि बंगाल से लेके आए थे राजा। राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? तो आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान, पंधारी के मोदक मिष्ठान ये भी ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर मिष्ठान के बारे में बीकानेर आता है, तो मैं भी इसमें 90% बीकानेर ऑप्शन होगा। करौली राजे और अंग्रेज़ों के बीच संधि कब हुई? नवंबर 1817 में। तो दोस्तों इसमें अगर कोई आंसर आपको गलत भी लगे तो मुझे कमेंट में बताएं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। और इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके मैं थ्योरिटिकल और जीके वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप बताएं, मैं आपको उसको रिकॉर्ड करके उसके मोस्ट क्वेश्चन वगैरह सब भेजूँगा। धन्यवाद।